नमस्कार, एसएम न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं सरिता कुमार और आप देख रहे हैं एसएम न्यूज़। आज हमारे साथ हैं एसएम एस राणा जी, जो कि समाज को जागरूक करने के लिए हमेशा तत्पर रहती है और बहुत बड़ी समाज सेविका है। तो आप इनसे पूछना चाहेंगे कि महिलाएं सिंदूर लगाती हैं, कहते हैं कि सिंदूर लगाने से पति की उम्र बढ़ती है, क्या ये सच है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। सिंदूर लगाने से कोई पति की उम्र बढ़ती नहीं है और ना ही मंगलसूत्र पहनने से पति की उम्र बढ़ती है। विदेशों में भी तो महिलाएं रहती हैं, वहाँ पे अमेरिका, इंग्लैंड, वहाँ पे फॉरनर, वो भी तो मैरिड होते हैं, वो तो कभी ये लगाते नहीं है। अगर रूल है तो सबके लिए ना, इंडिया में भी होना चाहिए तो फिर बाहर भी होना चाहिए। वो तो सब ये कल्चर फॉलो नहीं करते, तो इसलिए मैं तो नहीं मानती कि भी सिंदूर लगाने से या मंगलसूत्र पहनने से कि पति की आयु लंबी होती है, बिल्कुल नहीं होती। जिसकी जितनी आयु वो उतनी उसकी आयु रहेगी, ऐसे कोई छोटी बड़ी आयु होती नहीं है सिंदूर या मंगलसूत्र से, मेरा तो ऐसा मानना है। तो ये सब ना बेकार की चीज़ें हैं, इनसे ना महिलाओं में ना पिछड़ापन आता है, महिलाएं अवेयर नहीं होती हैं। महिलाएं अगर जिस दिन अवेयर हो जाएंगी तो ये मंगलसूत्र और सिंदूर ये सब चीज़ें उनके लिए कोई मायने नहीं रखेंगी, वो सब छोड़ देंगी। बाबा साहब ने जब समानता का अधिकार दिया है तो उसमें समान अधिकार में महिलाएं पुरुषों के जैसे रह सकती हैं, उनके जैसे पैंट शर्ट पहन सकती हैं, जैसे विदेशों में महिलाएं पैंट शर्ट पहनती हैं, और वहाँ पे भी कोई महिला चूड़ी वगैरह ये सब तो पहनती नहीं है, वो सारी इंडिया में ही पहनती हैं। मुझे नहीं लगता कि कोई भगवान अमेरिका में पैदा हुआ है या इंग्लैंड में पैदा हुआ है, सारे भगवान यहीं इंडिया में पैदा हुए हैं। वो 85% लोगों को बैकवर्ड बनाने के लिए ये सारे कस्टम यहाँ पे किए जाते हैं, और ये ब्राह्मणवादी मनुवादी व्यवस्था है जो लोगों को एजुकेशन की तरफ बढ़ने के बजाय और उनको पीछे ये व्रत त्यौहार, साल में इतने त्यौहार हैं, एक भगवान का बर्थडे दो दो बार आ जाता है और नवरात्रे दो दो बार आ जाते हैं, तो ये तो बेकार की चीज़ है ना, क्योंकि हमारे ज़्यादातर लोग उसी में ही लगे रहते हैं, वो आगे बढ़ने की सोचते ही नहीं है। और ये जब ये इन चीज़ों को वो समझ जाएंगे तो वो ये करना बंद कर देंगे, ये करेंगे ही नहीं ना, वो सिंदूर लगाएंगे ना, वो मंगलसूत्र पहनेंगे ना, वो चूड़ियां पहनेंगे। बाबा साहब ने कहा है पढ़ो लिखो आगे बढ़ो, तो वो उसी में रहेंगे अपना। एस राणा जी का हमारे इस चैनल से बात करने के लिए धन्यवाद करना चाहूँगी। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।